हेलो स्टूडेंट्स सब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड इसकी जो डेरिवेशन है फॉर्मूले की उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें एग्जांपल जो है यहाँ पर दी गई है इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्लास दी गई है जीरो से ट्वेंटी ट्वेंटी से फोर्टी फोर्टी से सिक्सटी सिक्सटी से एट्टी एटी से हंड्रेड फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेल्व थ्री और टोटल है इसका 50 जो कि इस मिशन एफ आई होता है उसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे अब डायरेक्ट मेथड में हम क्लास मार्क बता चुके हैं किस तरह से निकलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू तो 10 आ जाएगा 20 प्लस फोर्टी अपॉन टू थर्टी आएगा 40 प्लस सिक्सटी अपॉन टू फिफ्टी आएगा 60 प्लस एटी अपॉन टू सेवेंटी आएगा 80 प्लस हंड्रेड अपॉन टू नाइन्टी आएगा अब उसके बाद करना क्या है अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है जैसे यहाँ पर एक्स आई हमने निकाल लिए हैं ये सब एक्स आई हैं ठीक ये सब एक्स आई हैं टेन थर्टी फिफ्टी सेवनटी नाइन्टी तो इसमें जो मिडल का नंबर होता है सबसे बीच का नंबर जैसे यहाँ पर फिफ्टी है तो इस फिफ्टी को ए की वैल्यू मान लेंगे मीन्स एज्यूम्ड मान लेंगे ए यहाँ पर आप देख रहे हैं ए इक्वल टू फिफ्टी अब इस a इक्वल टू फिफ्टी का काम क्या होगा ये सभी में से माइनस होगा मीन्स टेन माइनस फिफ्टी थर्टी माइनस फिफ्टी फिफ्टी माइनस फिफ्टी सेवेंटी माइनस फिफ्टी नाइन्टी माइनस फिफ्टी तो इसको हम कहते हैं di आई डेविएशन डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ए क्या है 50 हमने सेलेक्ट किया है बीच की वैल्यू हमेशा सबसे सेंटर वैल्यू को ए लिया जाता है सबसे सेंटर की वैल्यू को एक्स आई में क्लास मार्क के टेबल में सबसे सेंटर जो में जो वैल्यू होगी उसको एक्स आई ए लिया जाता है तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए तो इन सभी में से ए मीन्स फिफ्टी को माइनस कर देंगे तो माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी ज़ीरो ट्वेंटी फोर्टी इस तरह से आ जाएगा अब इसमें करना क्या है जैसे शॉर्टकट में uh, जैसे इसके पहले डायरेक्ट मेथड में हम एफ़ आई इंटू एक्स आई करते थे इसमें एफ आई इंटू एक्स आई नहीं करना है एफ आई इंटू डी आई करना है क्योंकि एक्स आई को हम आगे सॉल्व कर चुके हैं तो एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू एफ आई इंटू डी आई यहाँ पर इस टेबल में लिखेंगे तो फाइव इंटू यहाँ पर फाइव इंटू माइनस फोर्टी माइनस टू हंड्रेड टेन इंटू माइनस ट्वेंटी माइनस टू हंड्रेड ट्वेंटी इंटू जीरो जीरो ट्वेल्व इंटू सेवेंटी टू फोर्टी थ्री इंटू यहाँ पर आ जाएगा वन ट्वेंटी अब इन सभी क्वांटिटीज को यहाँ पर प्लस किया जाएगा तो समीशन एफ आई डी आई आएगा माइनस फोर्टी और यहाँ पर समीशन एफ आई आया है फिफ्टी अब ये रहा फार्मूला मीन का बाय एज्यूम्ड मीन मेथड का एक्स बार इक्वल टू एक्स बार जो है मीन को रिप्रेजेंट करता है ए मीन्स एज्यूम्ड जो किया है हमने बीच में से क्लास मार्क वन अपॉन एन एन जो है यहाँ पर समिशन एफ आई मीन्स एफ आई का सम है इन टू समीशन एफ आई डी आई यहाँ पर जो समीशन एफ आई डी आई आया है सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सॉल्व करेंगे फोर्टी नाइन पॉइंट टू आंसर आएगा अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन एन इन टू समीशन एफ आई डी आई ये कैसे बना इस टेबल को आप समझ गए होंगे तो उसके बाद ये फार्मूला कैसे बना इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से हमने एक्स आई फाइंड किए हैं एक्स वन एक्स टू एक्स एम एक्स आई फाइंड किए हैं क्लास मार्क फाइंड किए हैं एफ वन एफ़ टू एफ एम ये फ्रिक्वेंसीज हैं डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए जो कि हमने टेबल में भी देखा था यहाँ पर टेबल में देखा था यहाँ पर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है तो डेविएशन है ये डेविएशन मीन्स सेंट्रल वैल्यू को लेकर सॉल्व करना तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अगर डी वन होता है तो एक्स वन माइनस ए होगा डी टू होता है तो एक्स टू माइनस ए होगा डी थ्री होगा तो एक्स थ्री माइनस ए होगा डी फोर होगा तो एक्स फोर माइनस ए होगा, होगा, तो होगा। जैसा कि टेबल में हमने सॉल्व किया था कि सभी क्लास मार्क में से बीच की वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे अब यहाँ पर अगर d1 वन इक्वल टू एक्स वन माइनस ए है तो अगर x1 को निकालना हो तो क्या बनेगा तो a उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा तो x1 वन इक्वल टू डी वन प्लस ए बन जाएगा इसी तरह से x2 टू इक्वल टू डी टू प्लस ए बन जाएगा अगर a उस तरफ जाता है तो, तो इस तरह से ये एक्स आई बन जाएगा एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आई प्लस ए एक्स आई इक्वल टू डी आई प्लस ए ये बन जाएगा अब जो डायरेक्ट मेथड में हमने फार्मूला यूज़ किया था उसको यहाँ उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पर लिखते हैं जिसमें हम एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं आई वन टू एम एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू एक्स आई क्या है यहाँ पर डी आई प्लस ए जो कि यहाँ से हमने फाइंड किया है डी आई प्लस ए अब आई की वैल्यूज पुट करते हैं पहले वन पुट करते हैं फिर टू पुट करते हैं फिर थ्री पुट करते हैं ऐसे आगे से आगे पुट करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आई वन से लेकर एम तक है इसी तरह से एफ़ वन डी वन प्लस है फिर प्लस का साइन क्योंकि सबमिशन है इस प्लस का साइन एफ़ टू डी टू प्लस है फिर एफ थ्री डी थ्री प्लस है एफ़ फोर डी फोर प्लस है इस तरह से आता जाएगा एफ़ वन को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ़ टू को अंदर ब्रैकेट से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स ब्रैकेट्स खोल देंगे उसके बाद बचेगा हमारे पास एफ वन डी वन प्लस एफ टू डी टू प्लस एफ थ्री डी थ्री इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे एफ वन इंटू ए एफ टू इंटू ए एफ थ्री इंटू ए इसको दूसरी ब्रैकेट में कर दिया जाएगा अब आगे करना क्या है इसमें सम्मिशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू समिशन एफ आई डी आई ये जो चीज़ है ये चीज़ क्या बन जाएगी समिशन एफ आई डी आई एफ वन डी वन एफ टू डी टू इस तरह से ये सम करते चले जाएंगे प्लस करेंगे तो सम्मिशन एफ आई डी आई बनेगा इन सभी में से ए को कॉमन ले लेंगे दूसरी ब्रैकेट में से ए को कॉमन लेकर बाहर कर देंगे बाकी बचेगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड सो वन उसको सम्मिशन एफ आई लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर सम हो रहा है एफ वन एफ टू एफ थ्री तो ये समिशन एफ आई हो गया अब नेक्स्ट है कि समिशन एफ आई एक्स यहाँ पर आ गया समिशन एफ आई डी आई यहाँ पर आ गया सम्मिशन एफ आई को हम स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं डायरेक्ट मेथड में भी समीशन एफ आई को एन से डिनोट किया जाता है तो ये एन इन ए एन ए हो जाएगा अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एन जो है समीशन एफ आई को रिप्रेजेंट करता है अब यहाँ पर एन को कॉमन लेकर दूसरी तरफ ले जाया जाएगा तो एन अगर यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर तो ए बचेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा क्योंकि यहाँ पर एन नहीं है तो इसको एन से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये कॉमन निकलेगा तो एन यहाँ से कॉमन आया तो ये ए बच गया यहाँ एन है नहीं तो वन अपॉन एन करना पड़ेगा जो एन कॉमन आएगा उसको इस तरफ लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये वन अपॉन एन बनेगा वन अपॉन एन समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू दिस अब वन अपॉन एन समीशन एफ आई एक्स आई बाई डायरेक्ट मेथड क्या था एक्स बार था एक्स बार इक्वल टू वन अपॉन एन समीशन एफ आई एक्स आई होता है ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है तो इसको हम लिख सकते हैं x बार इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन एन समीशन एफ आई डी आई तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड ठीक तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ये टेबल है समझने के लिए कि डेविएशन जो होता होता है डेविएशन डी आई मीन्स मिडल वैल्यू की तरफ अप्रोच करना है एक्स आई माइनस ए ए जो है वो एज्यूम्ड मीन है ए फोर एज्यूम्ड मीन डी वन में से एक्स वन माइनस ए डी टू में से एक्स टू माइनस ए तो इस टेबल से भी आप इसको समझ सकते हैं